बेटा आज मेरा आ रहा है मेहमान, मेरे जेब में पैसे भी नहीं है, बताओ आप क्या करें। अब तू टेंशन ना ले, आज मेहमान को आने तू दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। तो फिर आज आने तो मेहमान। अरे मेहमान आ गया है। ठीक है तुम फिर गेम स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ। बेटा मेहमान आया हुआ है, इसके लिए जाओ कुछ खाने का इंतजाम करो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं पड़ा। अच्छा तो बेटा इस तरह करो, जाओ एक बोतल लेकर आओ। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पैसे दो। बेटा मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। अच्छा अब इस तरह करते हैं, मैं मेहमान से पैसे लेता हूँ, जब मेरी तनख्वाह आएगी फिर मेहमान को वापस कर देंगे। 100 रुपया दे दो, आपके लिए बोतल मंगवानी है। बेटा तुम कोई तकलीफ ना करो, बोतल की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी पैसे निकालिए, आपके लिए बोतल ले आता हूँ। ये लो बेटा, ये पैसे मुझे वापस लाजमी करना, कहीं भूल ना जाना। अंकल जी आप टेंशन ना लो, आपका 100 रुपया आपको जल्दी मिल जाएगा। अंकल जी मोटरसाइकिल की चाबी देना, मैं अभी बोतल लेके आता हूँ। बेटा ये लो चाबी, जल्दी वापस आ जाना, इधर उधर घूमना मत। ये लो अंकल जी बोतल, मैं गिलास लेके आता हूँ। ये लो अंकल जी गिलास। ये लीजिए अंकल जी। हेलो बेटा मुझे तो चेक करना, जो ठंडी है गरम है। बेटा वो तो है गरम, जाके इसे फ्रिज में रख दो, जब ठंडी हो जाएगी बाद में मेहमान को पिलाएंगे। ठीक है भाई मैं अभी जा रहा हूँ। अब जी बोतल तो ठंडी हो रही है, मेहमान से पता करो कि नींबू का वायरस खाएगा कि नहीं। हाँ और क्या चीज पसंद करोगे? हाँ ले आओ नींबू भी खा लेंगे। चलो तो फिर निकालिए पैसे। नहीं बैठिए बैठिए, आप पैसे हमें दे दें, जब मेरे बेटे की तनख्वाह आएगी तो वो आपके घर पहुंचा देगा। ठीक है आपके खातिर तवाज़ो का शुक्रिया। नहीं नहीं आप हमारे पास आए कुछ कुछ खा कर जाएंगे ही, अब 100 रुपए दे दें आपको, जल्द से जल्द वापस कर दो। हाँ देता हूँ, ये लो अब 200 हो गया, 200 जल्दी वापस कर देना। हाँ ठीक है जल्दी वापस कर दूंगा। जाओ बेटा 100 रुपए की नींबू लेकर आओ। ठीक है अब्बा जी। अब्बा जी दुकान तो बंद थी। अच्छा तो बेटा कोई बात नहीं, आप कोई और चीज ले आओ। अंकल जी आप 200 रुपया और दे दो, आपके लिए समोसे ले आता हूँ। दफा हो जाओ, मुझे कोई नहीं खाने समोसे, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई बात तो सुनो, अरे भाई बात तो सुनो। अंकल जी आप ऐसे ही नाराज हो रहे हो। अब्बा जी 100 रुपया भी बच गया है, मेहमान को कोई बोतल नसीब भी नहीं हुई। सारा मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खत्म कर दिया और मेरे पैसे भी सारे खा गए।